दोस्तों, सहारा सेवी केस विश्व के आधुनिक न्यायिक इतिहास में अपनी तरह का अकेला मामला है, जिसमें न सिर्फ निर्धारित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया बल्कि नियामक संस्थाओं का पक्षपात पूर्ण रवैया भी स्पष्ट रूप से सामने आया। जैसा कि 2 मार्च 2014 को पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय में उल्लेख किया था कि 2004 में यूपीए सरकार बनने के बाद एक कैबिनेट मंत्री को देश के दो प्रतिष्ठित लोगों माननीय मोदी जी और माननीय सारश्री को नेस्तनाबूद करने का टास्क दिया गया था। उसके बाद सरकारी एजेंसियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से इस तरह के नोटिफिकेशन और नियम कानून लाए गए, जिससे सहारा इंडिया परिवार के व्यावसायिक क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव पड़े या धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया की तरफ बढ़े। उन तमाम प्रयासों के बाद भी जब उनके आकाओं को मनमाफिक परिणाम नहीं मिले तो एक काल्पनिक व्यक्ति रोशन लाल के द्वारा शिकायत का हवाला देकर सेबी द्वारा कार्रवाई शुरू करवाई गई। जबकि यह केस सेबी के अधिकार क्षेत्र के बजाय कंपनी अफेयर मंत्रालय के अधीन बनता था, जिससे सहारा इंडिया परिवार ने उक्त योजनाओं ओएफसीडी की अनुमति ली थी। सहारा इंडिया को माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था, इसलिए संस्था कोर्ट गई, परंतु उम्मीद के विपरीत माननीय न्यायालय के निर्देश भी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सहारा द्वारा पेश किए गए सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। सेबी ने जो कहा वह सही माना गया और सहारा की हर दलील और तर्क को गलत माना गया। पहले आदेश दिया गया निवेशकों की पूरी रकम लौटाई जाए और इस कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज सेबी को सौंप दिए जाए। जब ऐसा किया गया तो पहले सेबी ने दस्तावेज लेने में आनाकानी की और माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक उनका सत्यापन नहीं किया गया। उसके बाद आदेश दिया गया संपूर्ण राशि सेबी को दे दी जाए और सेबी निवेशकों को रकम लौटाए। ये आदेश दो बार भुगतान करने जैसा था, जबकि सामान्य विशेषज्ञ भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं होता कि किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक के केवल 3% जमाकर्ता भी एक साथ अपनी जमा राशि लेने आ जाए तो उनको तुरंत भुगतान संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करके रखते हैं और तभी वे उस जमा राशि पर ब्याज देने की स्थिति में होते हैं। सेबी के पास करीब 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक जमा होने के बाद भी अब तक केवल 90 करोड़ रुपए की राशि ही का भुगतान सेबी द्वारा किया गया। इसके बावजूद कोर्ट ने कभी न तो दस्तावेजों के सत्यापन और न ही भुगतान से संबंधित कोई सवाल जवाब सेबी से किया। पूरी अदालत कार्रवाई में अव्यवहारिक आदेश दिए गए, जिससे उनके अनुपालन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर माननीय सारा श्री जी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, तब सम्मानित बेंच के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि 4 मार्च 2014 का आदेश पहले से ही लिखा हुआ था। अदालत ने इस लिखित आदेश को सिर्फ घोषणा की। डॉक्टर धवन ने अदालत की अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट की नियमावली का हवाला दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि इस नियमावली के एक भी प्रावधान का पालन नहीं किया गया। इसके बाद 10,000 करोड़ की करोड़तापूर्ण शर्त थोपी गई, जो विश्व इतिहास की सर्वाधिक जमानत राशि थी। अभी तीसरे पक्ष के श्री स्वामी पर 10 करोड़ का जुर्माना, विदेश जाने पर रोक और 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया, वह भी पूरी तरह से अव्यवहारिक है। यह निर्देश एक धमकी की तरह है, जिसे कोई भी तीसरी पार्टी सहारा इंडिया से कोई डील करने से पहले 100 बार सोचे।
क्या इस निर्देश के बाद कोई तीसरा पक्ष सारा इंडिया परिवार के साथ कोई सौदा करने आ सकता है, जिससे कोर्ट के आदेश अनुसार रकम जमा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। पिछले 6-7 वर्षों की कार्रवाइयों का निष्कर्ष जो मुझे समझ में आता है वह यह है, माननीय न्यायालय और सेबी का किन्हीं निवेशकों के हितों की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। शुरू से ही उनका बस यही लक्ष्य नजर आ रहा, कैसे एमबी वैली की नीलामी हो और कैसे सारा इंडिया परिवार का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इस संपूर्ण घटनाक्रम को देखकर एक ऐतिहासिक घटना बार बार मेरे जेहन में कोंदती है, जो इस प्रकार है। जब कभी भी हम पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का अध्ययन या चर्चा करते हैं तो जिस महान दार्शनिक का नाम सबसे पहले आता है वो अब से करीब 2500 वर्ष पूर्व यूनान में जन्मे सुकरात है। उनकी गिनती अब तक के विश्व इतिहास के कुछ सर्वश्रेष्ठ विवेकशील व्यक्तियों में की जाती है। उनकी बातें और विचार इतने बुद्धिमत्तापूर्ण, शिक्षापूर्ण और गहराई लिए हुए थे कि युगों के पार आज करीब 2500 वर्ष बाद भी अत्यधिक प्रासंगिक और उपयोगी बने हुए हैं। उस समय यूनान में तत्कालीन सत्ताधारी और प्रभावशाली लोगों ने उन पर राष्ट्रद्रोह, युवाओं को भ्रमित करने और उस समय के देवताओं का अपमान करने यानी नास्तिक होने का आरोप लगाया था, जिसकी सजा मृत्युदंड थी। न्यायपालिका में सुनवाई की प्रक्रिया काफी लंबी चली। मानव इतिहास के सबसे महान तर्कशास्त्रियों में से एक सुकरात के सामने विरोधी पक्ष और न्यायाधीशों की एक न चली। सुकरात ने अपने अकाट्य तर्कों से सबको निरुत्तर कर दिया था, फिर भी सुकरात की हर दलील और तर्क को गलत माना गया और सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया था। सुकरात को अपराधी ठहराने के बाद उन्हें माफी मांगकर अपना रास्ता बदलकर मृत्यु दंड से बचने की सुविधा दी गई। उसके बाद सुकरात ने कहा वह ऐसे अपराध के लिए क्षमा नहीं मांग सकते जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, ना वह जुर्माने के रूप में धन दे सकते हैं और न ही अपना रास्ता बदल सकते हैं। इसके बाद अदालत में सुकरात ने एथेंस वासियों को संबोधित करते हुए जो शब्द कहे वे विश्व इतिहास की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं, जो इस प्रकार है, मैं उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने मुझे मौत की सजा दी है और मैं एथेंस की जनता से भी कहता हूँ, ओ एथेंस वासियों, शायद तुम सोचते हो कि मैं पर्याप्त तर्क प्रस्तुत न कर पाने के कारण दंडित हुआ हूँ, जिनके तर्कों द्वारा मैं तुम्हें सहमत कर सकता था। अगर मैं ऐसा करना उचित समझता तो तुम्हें राजी करके बरी होने की कोशिश करता। मैं किसी बात के अभाव के कारण दंडित नहीं हो रहा हूँ, पर वह तर्क नहीं है और न ही मेरे द्वारा किया गया कोई अपराध है। इसका कारण मेरा दुस्साहस और ढिठाई है। मैंने वैसी बातों करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई जिसे सुनना तुम सब पसंद करते। अगर मैं रोता, पीटता, विलाप करता और भी ऐसी बातें कहता जो मुझ जैसे व्यक्तियों को शोभा नहीं देती है, न तो मैंने तब खतरे से बचने के लिए ऐसा कुछ किया जो किसी स्वतंत्र व्यक्ति के लिए अशोभनीय विचार हो और न ही अब मुझे इसको लेकर कोई पछतावा है। इस तरह अपना बचाव करके जीने की बजाय तो मैं मर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि युद्ध में अथवा किसी मुकदमे की सुनवाई में मुझे या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए मृत्यु से बचने के लिए हर संभव साधन का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। युद्ध में हर कोई जानता है कि कोई व्यक्ति हथियार डालकर और अपने विपक्षियों से दया की भीख मांगकर मौत से बच सकता है, उसी तरह दूसरी तरह के खतरों में भी मृत्यु से बचने के अन्य उपाय हैं, बशर्ते आदमी वह सब कहने और करने को तैयार हो। ओ एथेंस वासियों, मृत्यु की अपेक्षा दुष्टता से बचना कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसकी गति मृत्यु से तीव्र होती है। अतः मैं देश के नीति नियताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि देश के उद्यमियों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार मत करिए। उद्यमियों के साथ इस तरह का व्यवहार करने से इस देश का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी उद्यमी अकेला नहीं होता है, उसके साथ हजारों
लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है। कोई भी देश चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हो, अपने सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है। मेरा मानना है कि नियामक संस्थाओं की भूमिका औद्योगिक संस्थाओं का मार्गदर्शन करना होना चाहिए, न कि बदले की भावना से कार्य करना। जिस देश में उद्योगों का विकास हो सके, देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन का कार्य हो सके, क्योंकि किसी भी देश या मानव समाज का उत्थान उस समाज या देश में रोजगार के अवसरों से सृजन से सीधा जुड़ा होता है। जो देश या समाज अपने लोगों के पालन पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विकास और प्रतिभाओं के उपयोग में जितना आगे रहे हैं, इतिहास साक्षी है, ऐसे देशों और समाजों में हमेशा समृद्धि, खुशहाली और शांति हासिल की है। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।